Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Hope you all are fine. अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने जो है एक मैंगो ड्रो किया था, उससे पहले हमने गिफ्ट बॉक्स, वो है थ्री शेप्स, ठीक है, जो हमने गिफ्ट बॉक्स ड्रो किया, फिर हमने मैंगो ड्रो किया, उसके बाद आज जो है हमने शेप्स पे ही काम करना है। शेप्स की हेल्प से हमने कुछ ड्रो करना है, जिसमें हमारे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल सारी शेप्स आती हैं, कौन शेप भी आती है, और इसके ज़रिए हमने आज एक नई शेप ड्रो करनी है, ठीक है। सारी शेप्स को मिलाकर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, और वो है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आपके सामने जो है शेप शो हो रही होगी, सिनरी की शेप है, किस्म की सिनरी शो हो रही, ठीक है। इसमें एक तरफ तो जो है हमारी ट्रेन जा रही है शेप्स की हेल्प से, दूसरी तरफ जो है हमारे पीछे की बैक साइड आपको देख रहा होगा, उसमें जो हाउसेज बने हुए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी शेप पर काम करना, ठीक है। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पतली सी, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इतने एरिया में अपने हाउसेस ड्रॉ करने हैं, नीचे वाले एरिया में हमने अपनी ट्रेन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो ये हमारे हाउसेस वाले एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक ट्री ड्रॉ करना है, आपके यहाँ साइड पर शो हो रहा होगा ट्री, ठीक है। ट्री ड्रॉ करने के लिए हमने और सब कुछ जो है हम लाइन से नीचे लेकर आएंगे, जो भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे, और मेन चीज़ जो हमारी होगी वो ये होगी कि हमने लाइन्स ड्रॉ करने से पहले नंबरिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो हमारे पास एक स्केल है, आप लोग के पास ऐसा स्केल रखें जो इस तरह से इस कलर लेस होता है, इससे कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसमें हमें शेप्स नीचे शो भी होती है, हम इजीली लाइंस ड्रॉ कर भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे अपनी ट्री की तरफ, ठीक है। हमारा ट्री जो है मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी, सो मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इतना, और यहाँ से भी इतना, और अब उसके ऊपर का पार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऊपर के पार्ट में जो है क्या बना हुआ है, नीचे तो ये तो हमारी रेक्टेंगल शेप हो गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर के पार्ट में क्या बना हुआ है, ट्रायंगल, क्या बना हुआ है, ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल जो है थोड़ा सा हमने बड़ा ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम ज़रा ज़्यादा एरिया लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा एरिया लेने का मकसद है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमने जो है यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा ट्रायंगल जो है कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपने हाउस ड्रॉ करना है, जो उसके बिल्कुल पास है, ठीक है। जो बीच में लाइन्स है उसको बाद में रिमूव कर देंगे, और थोड़ा सा इसको हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इतना स्पेस काफ़ी है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, हाउस ड्रॉ करना है। हाउस जो है वो बैक पे आ रहा है, तो हाउस के लिए हम कितनी लाइन्स लेंगे, अपनी ट्री जितनी लाइन्स ही लेंगे, ठीक है। जितना हमारा ट्री आ रहा है उतनी हमें हाउस, जितनी हाउस की लाइन्स लेंगे। सो हम लेंगे थोड़ा सा उससे ऊपर करेंगे, हल्का सा, क्योंकि हमारे अच्छा खासा स्पेस ऊपर की तरफ, वो खाली रह जाएगा, तो हम थोड़ा ट्री से अपने जो बिल्डिंग है उसको बड़ा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम वन से लाइन्स लेंगे, और लेंगे इतना ले लेते हैं, ठीक है। सो मैंने वन से लेके फोर तक लिया, इसके पीछे जाकर यहाँ से वन से लेके फोर तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप इक्वल होती है, तो हमने यहाँ भी वन से लेके फोर तक लेना है, साइड से भी वन से लेके फोर तक ही लेना है, ठीक है। स्केल को सीधा रखेंगे बिल्कुल अपने, लाइन्स ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ से, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर छोटा सा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा स्क्वायर है, तो वो भी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। उसके लिए हमने 2.5 लिया, ठीक है। स्क्वायर की शेप बराबर होती है, तो हम यहाँ साइड से भी इतना ही लेंगे जितना हमने ऊपर से लिया उसको, ठीक है। और यहाँ से भी सेम, छोटा सा बीच में सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने तीन स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पर एक हमने, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ही ड्रॉ करना है, क्योंकि वो स्क्वायर शेप ही है, ठीक है। तो हमने उसी शेप में इसको ड्रॉ करना है, थोड़ा सा यहाँ से हम बड़ा लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको, ठीक है, इसको हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ठीक। अब हमें क्या करना है, जो तीन छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं उनको भी हमने ड्रॉ करना है, और उसकी शेप्स भी हम छोटी ही लेंगे, ठीक है। तो 2.5 ही लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2.5 ले रही हूँ, 2.5, ठीक है।
सेम 2.5 यहाँ से भी आएगा, स्ट्रेट में भी और ऊपर से भी, ठीक है। अब यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्कल की शेप अब छोटी सी आपकी सोच से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको अपने हाथों से भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो कोई मसला नहीं है। साइड से थोड़ा बहुत ख़राब हो ठीक कर लेंगे, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा हाउस ड्रॉ करना है साइड पे दोबारा से, जिसके ऊपर का जो रूफ है वो ट्रायंगल है, ठीक है। सो ट्रायंगल शेप की तरफ आते हैं यहाँ पर, ठीक फाइनल। उसके बाद हमें क्या करना है कि बिल्कुल पास से हमने एक शेप ड्रो करनी है, और वो भी कितना होना चाहिए, हमारा एक्चुअली इस हाउस से छोटा है तो उसको हम थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो हमने कितनी लाइंस लेनी है, इसके लिए हमने लेनी है 1 से लेकर 3 तक लाइंस लेंगे, ठीक है। उसके बिल्कुल करीब से लाइन ड्रो करनी है, 1 से लेकर 3, ठीक है। स्क्वायर शेप है तो इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 से लेकर 3, सेम यहाँ पर भी 1 से 3। स्केल देखिएगा अपना कि बिल्कुल सेट हो, 1 से 3, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ से, और यहाँ पर भी 1 से 3, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने ट्रायंगल जो है वो रूफ ड्रॉ करना है, ठीक है। हम देखेंगे हमारा साइज बीच में कितना आता है, ये 1 से 3 है तो ये हमारा मिडल है, ठीक है। हम हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी सी, ताकि हम इजीली ट्रायंगल अपना ड्रॉ कर सकें यहाँ से, और ये आगे हमारी यहाँ से लाइन, ठीक है। सो क्लास हमने ये दोनों हाउसेज जो सेम थे डन कर ली, ठीक है। एक तो आपके सामने ड्रॉ हुआ और एक मैंने साइड पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब लास्ट में क्या रहता है, हमारा लास्ट में एक और छोटा सा ट्री रहता है जिसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। सो हमने लाइन्स ली और छोटा सा सर्कल इसके ऊपर आएगा, और ये हमारा हो गया यहाँ से ये वाला पार्ट डन, ठीक है। नीचे से थोड़ा सा इसको इक्वल मिलाएंगे, ठीक है। एंड नाउ, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से डन। अब नीचे आपको नजर आ रही है कि हमने नीचे एक ट्रेंड ड्रॉ करनी है ना, वो रहा ये वाला पार्ट, जो बीच में ये लाइन नजर आ रही है इसको भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब नीचे हमने ट्रेन ड्रो करनी है, हम ट्रेन की तरफ आएंगे। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक सामने छोटा सा ट्राइंगल ड्रो करना है, ठीक है। इसके लिए हम इतनी लाइंस लेंगे कि, ठीक है, ये लाइंस ली मैंने, यहाँ से भी सेम लाइन और यहाँ से इसको बंद, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे जो है वहाँ पास स्क्वायर शेप है, ठीक है। स्क्वायर शेप जो बिल्कुल उससे जुड़ी हुई है, स्क्वायर शेप थोड़ी सी उससे बड़ी है तो उसको हम लेंगे 1, ठीक है। यहाँ से भी इसको हम बन लेंगे, सेम यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, ठीक है। जो आगे वाली शेप्स हैं वो उससे बड़ी हैं तो उसको हम 1.5 भी ले सकते हैं या 1.2, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ देखें तो इसको हम ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। ये होगी 1.5, सेम यहाँ से भी 1.5 होगी, यहाँ से भी 1.5, क्योंकि स्क्वायर शेप जो होती है उसके चार साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी 1.5, ठीक है। हमने बाकी भी जो शेप्स जो है वो सारी इसी तरह से ड्रॉ करनी है जो स्क्वायर शेप से, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। सो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, छोटी सी बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है इक्वली, तो उसे हल्की सी ये और ये, ठीक है। दोबारा से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने ये लाइन कितनी ली थी, हमने इसको 1 से लेकर 3 तक ली थी, तो हम दोबारा 1 से 3 तक लेंगे, ठीक है। सॉरी 1.5 ली थी, ठीक है। सो 1.5 लेंगे, ये हमने ली 1.5, सेम यहाँ से भी 1.5 आएगी, स्केल हमारा सीधा हो ताकि हमारी लाइन जो है वो सही आए, ठीक है। यहाँ से भी 1.5 और यहाँ से भी 1.5, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी शेप्स भी जो है अपनी ड्रॉ करनी है, यहाँ के ये लाइन, ठीक है।
इस तरह से क्या करना है हमने, दो शेप सेम, फिर दो शेप जो है वो अलग अलग करके ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से ये हो गई, इसके साथ ही बिल्कुल एक शेप ड्रॉ करेंगे, इसके साथ से लेंगे, ठीक है। और ये है 1.5, यहाँ से भी 1.5, ठीक है, सेम यहाँ से भी 1.5 और यहाँ से भी 1.5, ठीक है। तो क्लास ये हो गए, हमारे बॉक्सेस यहाँ पर डन, ठीक है। एक बॉक्स हमारा रहता है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसको हम लेंगे 1, ठीक है। सो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी, कितना साइज है पहले इसका हम साइज चेक करते हैं, ठीक है। ये 1.5 है, तो इसको हम ये हमारा मिडिल है, ठीक है, इसका ख्याल करेंगे। और हमने फिर क्या करना है, अपना बॉक्स ड्रॉ करना है। सो स्पेस लाइन जो हमें लेनी थी, कितनी लेनी थी हमने, वो 1, ठीक है। तो 1 1 1, ठीक है। अब जो उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा सा इससे बड़ा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से इतना, ठीक है, और ये हो गई हमारी शेप डन। और बीच वाली शेप को थोड़ा सा हमने यहाँ से रिमूव करना है, एक मिनट, और इसको हम ऊपर रखेंगे, यहाँ से हम इसकी व्हील्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इतनी, ठीक है, सेम, ठीक। और लास्ट में अब इसके बीच में एक और सर्कल आएगा। सो ग्लास हम इसके बीच वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, यहाँ हो गई हमारी व्हील डन, ठीक है। एक व्हील हमारा रहता है जो हमने यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है माई ट्रेन जो है वो डन हो जाएगी। सो ये माई ट्रेन जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है, आप सब देख सकते हैं। अब हमने एक क्लास जो है वो ड्रॉ करनी है, एक छोटा सा हमने सन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी साइड से, ठीक है, अब लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इस तरह से हम कोई भी चीज़ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्लास में बहुत सारा ख्याल रखेगा, फी अमान अल्लाह।